नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। दरअसल आपने ये सुना होगा लाइन स्वामी विवेकानंद की, लेकिन इस लाइन को सच कर बैठी एक पान वाले की बेटी ने। जी हाँ, ये लड़की के बुलंद हौसले ने सबको चौंका दिया है। अपनी जिंदगी में कई उतराव चढ़ाव देखा, लेकिन उसके बाद भी अपने लक्ष्य के प्रति रुकी नहीं। आखिर ये अपने लक्ष्य को पा ही ली। आखिर ये लड़की ने किस तरह से मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाया है, चलिए हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहें। एक पान बेचने वाले की बेटी की सफलता पर गोंडा वासी बेहद खुश है। गोंडा नगर का जानकी नगर मोहल्ला आज ढोल नगारों के बीच तब झूम उठा। ज्योति ने 8वीं बार में यह सफलता हासिल की। ज्योति चाहती थी कि वो प्रेस्टीजियस जॉब हासिल करके आर्थिक रूप से कमजोर समाज की सेवा करे, लेकिन उस लड़की ने उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको कि मंत्र के सहारे एक पान वाले की बेटी ज्योति चौरसिया यूपी पीसीएस 2022 में 21वां स्थान हासिल कर एसडीएम पद के लिए चुनी गई है। ज्योति ने एसडीएम पद पर चयनित होकर परिवार के सपनों को साकार किया है। ज्योति ने 8वीं बार में यह सफलता हासिल की है। ज्योति चाहती थी कि वो प्रेस्टीजियस जॉब हासिल करके आर्थिक रूप से कमजोर समाज की सेवा करे। आज ज्योति जब गोंडा आई तो बेटी का स्वागत ढोल नगाड़े से हुआ। क्या घर का, क्या पड़ोसी, सभी ने माला आरती से ज्योति का स्वागत किया। एक पान बेचने वाले की बेटी की इस बेहतरीन सफलता पर गोंडावासी बेहद खुश हैं। गोंडा नगर का जानकी नगर मोहल्ला आज ढोल नगाड़ों के बीच तब झूम उठा जब परिजनों मोहल्ले वालों से तब झूम उठा जब परिजनों मोहल्ले वालों ने आरती उतारी और माला पहनाई। ज्योति के घर बधाई देने वालों का तांता लग रहा। ज्योति ने गोंडा में ग्रेजुएशन किया और लखनऊ में कंपटीशन की तैयारी शुरू की। ज्योति के मुताबिक वह 2015 से यूपी पीसीएस का टेस्ट दे रही थी, लेकिन प्री भी नहीं निकाल पाती थी। परिजनों ने हौसले बढ़ाया और उसने हार नहीं मानी। इस बार ज्योति पीसीएस में 21वां स्थान हासिल कर एसडीएम पद के लिए चुनी गई है। ज्योति गोंडा के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर रोशन जैकब से इंस्पायर है। ज्योति के पिता हेमचंद चौरसिया मूल रूप से देवरिया जिले के निवासी हैं। वे 1957 में गोंडा आकर बसे और पान की दुकान से ही बच्चों को पढ़ाया, इस काबिल बनाया। और ज्योति के पिता की पान भंडार की दुकान शहर के गुरु नानक चौराहे के पास है। उन्होंने बताया कि आज मन बहुत प्रसन्न है, बेटी ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद बेटी से की थी, लेकिन आर्थिक संकट के चलते वह ना कर सका। उनका कहना है कि बेटी या बेटा जो भी हो, प्रतिभावना हो, परिजनों को उसको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। ज्योति के पिता ने बताया कि वे गोंडा जॉब के सिलसिले में अकेले आए थे और सफल होने पर फरवरी 1957 में लड़की की दाबली में पान की दुकान खोली। बाद में बच्चों को गोंडा ले आए और गोंडा के ही होकर रह गए। उनका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। सभी की शिक्षा गोंडा में ही हुई। बड़ा बेटा संदीप भी पढ़ने में तेज था। उसने कई कंपटीशन दिए लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह भी पान की दुकान पर पापा हेमचंद के साथ बैठने लगा। ज्योति का कहना है कि बड़े भाई ने अपने सपने को मेरे सफलता से साकार किया। उसके असली मोटिवेटर उसके मम्मी पापा और भाई हैं। तो आपने सुना किस प्रकार ज्योति अपने लक्ष्य के प्रति किस प्रकार से निष्ठावान होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही ली। आज ज्योति के पापा, उसके भाई, उसके माँ, पूरे गाँववासी खुश हैं। एक लड़की जब अपने समाज में नाम करती है तो दूसरे लड़की को भी इंस्पायर करती है। आज इस ज्योति के वजह से कई ज्योति वहाँ पर इंस्पायर हुई होगी और कई ज्योति का हौसला भी बुलंद हुआ होगा। वैसे आपका क्या कहना है इस खबर पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी वीडियो और खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें। न्यूज़ फॉर नेशन, धन्यवाद।